नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है काले चने के कबाब, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कबाब की रेसिपी। दोस्तों, काले चने के कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है भाई ये काले चने, जिसे मैंने भिगो लिया था और ये थोड़े से अंकुरित भी हो चुके हैं। तो 1 1/2 कप के लगभग ये काले चने हैं, और 2 प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, और 4 हरी मिर्च जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये धनिया पत्ती 1 कप, आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधे नींबू, नमक आप स्वाद के अनुसार लेंगे, हल्दी आधे छोटे चम्मच, और ये 1 कप बेसन है। तो सबसे पहले हम अपने चने को मिक्सी में दरदरा पीस लेते हैं। हम एक जार लेंगे, ग्राइंडिंग जार, उसमें हम डाल देंगे चने, और इसके साथ हमें और कुछ नहीं डालना है, बस सिर्फ हमें चने को हल्का सा दरदरा कर लेना है। अब देख सकते हैं दोस्तों, मैंने चने को बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, ये दरदरा है। इसमें कुछ चने खड़े भी है, कुछ चने पीसे हुए हैं, तो बस हमें इसी तरह से इसे पीस लेना है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये जो चने मैं हमने पीसे हुए थे, और चने सारे हम इसमें निकाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये बेसन, ये कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्च जो मैंने ग्रेट करके रखा था, नमक और हल्दी पाउडर, और ये धनिया की पत्ती। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये आधे नींबू का रस, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मैंने सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। आप जितने बड़े भी साइज के कबाब बनाना चाहें आप ले सकते हैं, उतने बड़े साइज का बॉल बनाइए इस तरह से, और इसे हल्का सा हम राउंड शेप देके इसे हल्का सा ऐसे कबाब की शक्ल में कर देते हैं। इसी तरह हम सब अपने सारे कबाब बना के तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से कबाब बना के तैयार कर लिए हैं, और पैन भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और सारे कबाब को आहिस्ता आहिस्ता इसमें प्लेस कर देते हैं। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन, हम इसे आहिस्ता आहिस्ता सारे कबाब को पलट देंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारे कबाब जल जाएंगे और अच्छे अंदर से अच्छे से ये पकेंगे नहीं। तो अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो पूरे ये अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे। इसे भी हम दूसरे साइड से भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कबाब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक टिश्यू पेपर पर हम इसे निकाल लेंगे, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पूरा जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। देखिए दोस्तों, हमारे कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे इसकी प्लेटिंग करते हैं। दोस्तों, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि घर में भी सबको ये बहुत पसंद आएगी रेसिपी, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसके साथ आप थोड़े प्याज के लच्छे सर्व कर सकते हैं, नींबू अगर चाहे तो इसके ऊपर आप
थोड़ा सा अगर खट्टा खाना पसंद करे तो उसके ऊपर डाल के खा सकते हैं, और साथ में ये दो हरी मिर्च। तो दोस्तों आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।